नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया के काल और काल के भेद। इस वीडियो में हम संक्षेप में काल, काल के भेद और काल के उपभेद देखेंगे। सबसे पहले काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे सुनील पढ़ाई करता है, यह वाक्य वर्तमान काल का है। सुनील पढ़ाई कर रहा था, यह वाक्य भूतकाल का है। सुनील पढ़ाई करेगा, यह वाक्य भविष्य काल का है। यहाँ पर हम क्रिया के तीन काल एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसमें मुख्य काल, कार्य और उदाहरण दिए गए हैं। मुख्य रूप से क्रिया के तीन काल होते हैं। सबसे पहला काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमें चल रहे समय का बोध होता है, जैसे सुनील पढ़ाई करता है। दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल में हमें बीते हुए समय का बोध होता है, सुनील पढ़ाई कर रहा था। और तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल में हमें आने वाले समय का बोध होता है, सुनील पढ़ाई करेगा। अभी हमने देखा कि क्रिया के तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के छह भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के सात भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद विषय भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद एक चार्ट के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें वर्तमान काल के भेद, उसकी परिभाषा और क्रिया के अंत में आने वाले शब्द समूह और उसके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर एक ही उदाहरण अलग-अलग कालों में दिया गया है। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के रूप से हमें कार्य का वर्तमान समय में होना सूचित होता है। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द समूह आते हैं। वाक्य देखिए, राम आम खाता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के रूप से हमें कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित होता है। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। वाक्य, राम आम खा रहा है। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के रूप से हमें कार्य का वर्तमान काल में ही पूर्ण हो जाना सूचित होता है। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में है, हु, है शब्द का प्रयोग होता है। राम ने आम खाया है।
वर्तमान काल का चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के रूप से कार्य वर्तमान में होने या करने पर शक होता है। संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होगे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। वाक्य राम आम खाता होगा। वर्तमान काल का पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में हमें क्रिया के रूप से कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा है यह सूचित होता है। तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। जैसे राम आम खा रहा है। वर्तमान काल का छठवां भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के रूप से हमें कार्य की वर्तमान काल में ही पूरे होने की संभावना होती है यह हमें सूचित होता है। संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में हो शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम ने आम खाया हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद यहाँ पर देखिए। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया के रूप से कार्य का बीते हुए समय में होना सूचित होता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे शब्द आते हैं। वाक्य देखिए, राम ने आम खाया। यहाँ पर आ आया है। भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में कार्य का बीते हुए समय में जारी रहना सूचित होता है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। जैसे राम आम खा रहा था। भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के रूप से कार्य का बोलने या लिखने से पहले ही पूर्ण हो जाना सूचित होता है। पूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम ने आम खाया था। भूतकाल का चौथा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में हमें क्रिया के रूप से कार्य अतीत में होने पर संदेह प्रकट होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के अंत में होगा, होगी, होगे शब्द आते हैं। जैसे राम ने आम खाया होगा। भूतकाल का पांचवा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में हमें क्रिया के रूप से कार्य अभी कुछ समय पहले या तत्काल पूर्ण होने का बोध होता है। आसन्न भूतकाल में क्रिया के अंत में है या हूँ शब्द आते हैं। जैसे राम ने आम खाया है। भूतकाल का छठवां भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में हमें कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं यह प्रतीत होता है। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। हेतु हेतु मद भूतकाल के पहले वाक्य के अंत में ता, ती, ते और दूसरे वाक्य के अंत में ता, ती, ते शब्द आते हैं। जैसे राम आम खाता तो उसे आनंद आता। भूतकाल का सातवां भेद है समयकालीन भूतकाल।
समयकालीन भूतकाल में कार्य के बीते हुए समय का निश्चित बोध होता है। समयकालीन भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम 2 घंटों से आम को देख रहा था। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद है, उसमें से पहला भेद सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में हमें कार्य का सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चलता है। सामान्य भविष्यकाल के क्रिया के अंत में गा, गी, गे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम आम खाएगा। भविष्यकाल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में कार्य भविष्य में होने या करने की संभावना का हमें पता चलता है। संभाव्य भविष्यकाल के क्रिया के अंत में ए, हो, गा शब्द आते हैं। जैसे शायद राम आम खाए। भविष्यकाल का तीसरा भेद है हेतु हेतु मद्विष्य भविष्यकाल। हेतु हेतु मद्विष्य भविष्यकाल में कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली क्रिया पर निर्भर होता है। हेतु हेतु मद्विष्य भविष्यकाल में भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहती है। इनके दूसरे वाक्य के पहले तो और दूसरे वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आते हैं। जैसे मीठा होगा तो राम आम खाएगा। धन्यवाद।